प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का आज तड़के करीब 3:30 बजे निधन हो गया। उनका पिछले 2 दिनों से अहमदाबाद के संयुक्त राष्ट्र अस्पताल में इलाज चल रहा था। अपनी मां की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली से अहमदाबाद आए और अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। अस्पताल ने यह भी कहा कि हीराबा की सेहत में सुधार हो रहा है। हालांकि उन्होंने 30 दिसंबर 2022 को तड़के 3:30 पर आखिरी सांस ली। हीराबा का जन्म 18 जून साल 1923 को मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। हीराबा ने बचपन में ही अपनी मां का प्यार खो दिया था। उनकी मां की मौत स्पेनिश फ्लू महामारी में हो गई थी। हीराबा का बचपन गरीबी में बीता था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा था। यही कारण है कि वह कम उम्र में ही चुनौतियों से परिपक्व हो गई थी। हालांकि वह परिवार में सबसे बड़ी थी, जिस कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई और उन्होंने बचपन में ही परिवार की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। हीराबा का विवाह गुजरात के वडनगर में एक छोटे से घर में रहने वाले मोदी परिवार में हुआ था। उनके पति मोदी परिवार में सबसे बड़े दामाद थे, लेकिन शादी के बाद भी हीराबा के जीवन में संघर्ष रहा था। शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने मोदी परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। कई जिम्मेदारियों और संघर्षों के बावजूद उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ रखा है। सब परिवार वडनगर में एक छोटे से घर में रहता था। उसमें कोई खिड़की भी नहीं थी। हीराबा के पति दामोदर दास मोदी ने बांस के डंडे और लकड़ी के तख्तों से एक चबूतरा बनाया हुआ था। उसमें ही हीराबा खाना बनाती थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।